एश्विन ने फिर बताया कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर हूँ और उसके जो स्टैट्स हमारे सामने आते हैं वो मुरली के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं, और मुरली वो है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा आउट किए हैं। पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि बांग्लादेश को असल शिकार तो एश्विन ने किया, और पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं। कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ या कोच बेवकूफ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। इज अ फाइन बॉलर, फेबुलस, और मैच विनर है। ऑन द डे किसी भी बैट्समैन को ये मुसीबत डाल देता है, तो रन्स भी इसके ऊपर बनाना बहुत मुश्किल है अश्विन के ऊपर। ग्रेट कंट्रोल है, बड़ा इंटेलिजेंट है, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है और बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, सातवें आठवें नंबर पर। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पर चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे और हम दो टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं, अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहाँ विकेट फ्लैट था, जहाँ बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई, ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। रन्स किसने किए? ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद उसने परफॉर्म किया, नो डाउट। गिल काफी टाइम से परफॉर्म करा, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसने रन किए। और सबसे बड़ी बात ये चले ऋषभ पंत और गिल तो है ही बैट्समैन ना, वो तो फिर भी रन कर सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल में टीम थी पहली इनिंग में, जिस तरह अश्विन ने 100 किया है और जिस तरह जडेजा ने 100 किया है, ये इनकी वजह से मेन जो इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग हुई है ना वो अश्विन और जडेजा की वजह से हुई है, उनकी वजह से ये रन बहुत अच्छे हो गए। और आपके सामने एवरेज बॉलिंग नजर आई, एवरेज एटीट्यूड, सब कुछ कुछ था ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी, आज जो है अश्विन ने 6 आउट किए। मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि मैन ऑफ द मैच जो है वही है, जडेजा ने भी जो है वो 3 आउट किए। अब ये जो बांग्लादेश की टीम है इसको देख के लगता है ये चौथे नंबर की टीम है, मतलब ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी मार देगी, इसको भी मार देगी। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूं, मुझे खुशी होती है चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर, आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। बड़े मार्जिन से इंडिया ने शिकस्त दी बांग्लादेश को आज पहले टेस्ट में, चौथे दिन यानी कि लंच तक खेल खत्म, 280 रन से जीता है इंडिया टेस्ट मैच, और दे कंटिन्यू दे डोमिनेशन एट होम एंड इवन जनरली राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ तो साफ सीधी बात है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिल्कुल एक अलग जो है ना वो बाकी सारी टीमों से वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूसिंग इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और इस बात इस मैच के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पोजीशन आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया नंबर वन पे है और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया को यार मैंने जैसे मैं रिपीट ही करता हूँ कि उनकी जो डोमिनेशन है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में और दूसरे फॉर्मेट्स में भी जिस तरह वो मतलब अच्छा खेल रहे हैं, इट्स ऑल टू द फैक्ट दैट दे हैव गॉट गुड कॉम्बिनेशंस इन ऑल थ्री, देव गॉट कॉम्बिनेशंस, देव गॉट द प्लेयर्स फॉर ऑल थ्री कैसूबल थे फॉर्मेट्स। और फिर उसके बाद आपके पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो, इतना यानी कि अश्विन हैज ऑलवेज बीन वो कहते ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। अनिल कुंबले भी ऐसी था, अनिल कुंबले भी वॉज लाइक यू नो लाइक ही वॉज
जस्ट नॉट एन जस्ट अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर, वो भी अपनी बॉलिंग पे बहुत, उसने भी एज अ लेग स्पिनर बहुत अपनी बॉलिंग पे काम किया, मतलब ही वॉज वन ऑफ दोज रेयर लेग स्पिनर्स, जैसे अगर आप उसको कंपेयर करें मुश्ताक अहमद से या शेन वॉन से जो जमाने में खेल रहे थे। अश्विन भी बड़ा अच्छा थिंकर है गेम का, अश्विन भी हैज़ वेरिएशन फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ सर्फिस, मतलब वो चेंज करता है अपनी वेरिएशन को, ही थिंक्स अ लॉट अबाउट द गेम, ही थिंक्स अबाउट हाउ टू गेट आउट बैट्समैन। आज जो उसने शकीब को आउट किया अगर आप देखें तो एज सून एज ही केम आउट टू बॉल इन द मॉर्निंग सेशन, उसने एंगल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ था शकीब के लिए कि शकीब हैड टू प्ले एट एवरी डिलीवरी। अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार, वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते पता रही नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते इज नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइस, लेकिन भाई जबरदस्त परफॉर्मर आया वो और हर जगह उसने तकरीबन परफॉर्म किया है। एड टू हिज बॉलिंग, आज उसकी तकरीबन 750 से ऊपर इंटरनेशनल विकेट्स हो गई, 37 आज उसने बार जो है 5 विकेट्स इन इनिंग्स किया, इक्वलिंग शेन वॉन्स रिकॉर्ड। तो अगर आप उसके एड दैट हिज बैटिंग एबिलिटीज, एक बंदा 6 सेंचुरीज है यार, कोई मजाक बात नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में 6 सेंचुरीज एक बंदा करता है तो बड़े से बड़े ऑलराउंडर हमने जो देखे उन्होंने 6 सेंचुरी नहीं की अपने कैरियर में, इसे 6 सेंचुरीज की हुई है। तो ही इज बीन वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। फिर जडेजा 3 विकेट ले गया, तो 9 विकेट तो जडेजा और अश्विन ने ले लिए थे, यानी कि पहले इनिंग्स में 9 विकेट ले रहे हैं पेस बॉलर्स, बल्कि 8 विकेट ले रहे हैं पेस बॉलर्स, सेकंड इनिंग में 9 विकेट ले रहे हैं आपके मतलब जो है स्पिनर्स। दिस इज व्हाई इंडिया इज सच ए गुड ऑलराउंड साइड, बिकॉज दे हैव बॉलर्स फॉर एवरी ओकेशन। पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि बांग्लादेश को असल शिकार तो अश्विन ने किया और पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं, कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ या कोच बेवकूफ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। भारत ने 15 रोहित शर्मा की भारतीय टेस्ट टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले 15, जबकि अश्विन ने इतना सक्सेसफुल स्पिनर अश्विन ने 13 खेले, 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, एक केपटाउन में नहीं खेला, एक ओवल में नहीं खेला उन्होंने। मैं चाह रहा हूं 38 ईयर ओल्ड है अश्विन और इतना ही एज है यासिर शाह की, जो 2 बरसों से पाकिस्तान के किसी परस्पेक्टिव में नहीं खेल रहे हैं। इसमें 230 प्लस उनके बैटिंग के रन भी हैं, 101 50 है, ये है अश्विन फुल पैकेज के साथ। अब 13 मैचेस खेले हैं, 73 विकेट्स हैं उनकी, 7 बार 5 हैं और बेस्ट उनकी 12 हैं, सिर्फ 13 मैच की बात कर रहा हूं, 7 बार 5 हैं, बेस्ट 12 हैं। यासिर शाह भी सेम है, वो भी सेम है। अब आप सीना कंट्रीज में अश्विन की परफॉर्मेंस देखिए, ऑलमोस्ट 40 की है एवरेज जो है। यासिर शाह का बहुत बुरा रिकॉर्ड है, 3 बार 200 प्लस रन खाए हुए उन्होंने, किसी स्पिनर ने नहीं खाए हुए टेस्ट मैच के अंदर, मगर उन्होंने खाए हुए। लिटन दास हमारे बॉलरों को पेल रहा था और आप देखें दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाया वो नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे खाली अश्विन नहीं है, पूरे का पूरा बीसीसीआई सिस्टम और कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी जो उसको अश्विन बनाती है, आपके पास आ भी जाएगा अपने बना।